हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सिक्स साइंस चैप्टर 10 मोशन एंड द मेजरमेंट वॉल्यूम 3। नाउ वी विल स्टार्ट टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग टाइप। डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट के मोशन जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो उन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज ट्रांसलेटरी मोशन। अब हम बात करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन की। व्हेन ऑल द पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूव द सेम डिस्टेंस इन अ गिवन टाइम देन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी ट्रांसलेटरी मोशन। जब किसी भी ऑब्जेक्ट का पूरा पार्ट जो होता है समय के साथ साथ वो पूरी डिस्टेंस कवर करता है, तो ऐसे मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अ चाइल्ड गोइंग डाउन अ स्लाइड एंड अ व्हीकल मूविंग ऑन अ रोड। एक बच्चा जब स्लाइड से नीचे जाता है या तो फिर कोई भी व्हीकल जब रोड पर मूव करती हो है, ठीक है। ट्रांसलेटरी मोशन अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, रेक्टिलिनियर एंड कर्विलिनियर। नाम से ही पता चल रहा है, रेक्टिलिनियर मतलब कि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, और कर्विलिनियर की कर्व्ड लाइन यानी मुड़ी हुई लाइन में चल रहा है, ठीक है। सो फर्स्ट हम देखेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। When an object moves along a straight line, its motion is called rectilinear motion. जब कोई भी object एक सीधी line में चलती, straight line में चलती है, तो इसके motion को rectilinear motion कहते हैं। For example, a car moving in a straight line, a ball falling freely from the roof of a building, motion of a striker on the carrom board and march past of soldiers in a parade on a straight line. एग्जाम्पल के लिए, एक सीधी लाइन पे चलती हुई एक कार, या तो फिर छत से फ्रीली एक बॉल जो होती है वो बिल्डिंग के रूफ से गिर रही है वो, या तो फिर कैरम बोर्ड पर वो जो स्ट्राइकर होता है उसका चलना, या तो फिर स्ट्रेट लाइन में सोल्जर्स का मार्च पास्ट या परेड करना। ये सारे क्या हैं? रेक्टिलिनियर मोशन के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट, कर्विलिनियर मोशन। When an object moves along a curved part, its motion is said called curvilinear motion. जब कोई ऑब्जेक्ट जो होता है एक कर्व्ड यानी मुड़े हुए पाथ रास्ते पर चलता है, तो ऐसा मोशन कर्विलिनियर मोशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ कार मूविंग अलॉन्ग अ कर्व्ड पाथ, अ बॉल थ्रोन बाय अ बॉय एंड अ जेवेलिन और शॉट पुट थ्रोन बाय एन एथलीट। उसमें क्या होता है कि अगर कार ही है वो अगर कर्व लाइन में चल रही है, या बॉल कोई बच्चा बॉल ऊपर फेंक रहा है तो ऊपर से जाके फिर वो नीचे आती है मुड़ के घूम के, तो ये सब जो होते हैं कर्विलिनियर के एग्जांपल है। नाउ वी विल टॉक अबाउट सर्कुलर मोशन। नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा मोशन जो कि सर्कल में होता है, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ, इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है एक सर्कुलर पाथ पर रास्ते पर चलता है, तो ये सर्कुलर मोशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, an athlete running on a circular track inside the stadium and motion of the minute hand of a watch or a clock. Example के तौर पे circular path पे कौन कौन से चलते हैं उसका example है, earth जो होता है sun के चारों तरफ round लगाता है, moon earth के चारों ओर round लगाता है, एक एथलीट जो होता है वो सर्कुलर स्टेडियम में चारों तरफ घूम रहा है स्टेडियम के अंदर, या तो फिर जो क्लॉक या वॉच होती है उसकी मिनट की सुई, ये सारा कुछ। नेक्स्ट, रोटेटरी मोशन। ऐसा मोशन जिसमें कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस विदाउट चेंजिंग इट्स पोजिशन, इट्स मोशन इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि एक अपने एक्सिस पर फिक्स होके बिना अपना पोजीशन चेंज किए हुए मोशन करता है वो रोटेटरी मोशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल, द मोशन ऑफ द ब्लेड्स ऑफ अ फैन, द व्हील ऑफ द सीविंग मशीन, अ जेंट व्हील, अ मैरीगोल्ड, स्पिनिंग व्हील मीन चरखा, अ पॉटर्स व्हील एंड अ स्पिनिंग टॉप।
अब रोटेटरी मोशन के एग्जांपल जो हैं वो क्या क्या हैं, फैन जो होते हैं सीलिंग फैन उनके ब्लेड, या टेबल फैन भी, फैन कोई भी फैन, फैन के ब्लेड, सीविंग मशीन की व्हील, जेंट व्हील यानी कि जो बड़ा सा झूला होता है, मारी गो राउंड जो होता है, मेरी गो राउंड वो भी एक झूला होता है, उसके अलावा स्पिनिंग व्हील, चरखा, जो पॉटर्स होते हैं उनके व्हील जिस पे कि वो पॉट्स बनाते हैं, और उसके अलावा स्पिनिंग टॉप यानी घूमता हुआ टॉप. नेक्स्ट ऑसिलेटरी मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव टू एंड फ्रो अबाउट अ मीन पोजीशन इट्स मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन. जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक ही पाथ पर वो बैकवर्ड फॉरवर्ड यानी आगे पीछे करता है तो ऐसा मोशन जो है ऑसिलेटरी मोशन कहलाता है. ऑसिलेटरी मोशन, इन द ऑसिलेटरी मोशन द एंटायर ऑब्जेक्ट्स मूव टू एंड फ्रू. ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है, पूरे ऑब्जेक्ट का मोशन जो होता है टू एंड फ्रो होता है, यानी कि आगे पीछे, टूवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स ऐसा चलता है. फॉर एग्जाम्पल, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ स्टोन, द मोशन ऑफ अ स्विंग एंड द पेंडुलम ऑफ द क्लॉक एक्सेट्रा. अगर एक थ्रेड या रोप रस्सी से आपने एक पत्थर को लटका दिया तो वो टू एंड फ्रो लेफ्ट राइट में मूवमेंट करता है वो, या तो फिर एक स्विंग यानी कि झूला, झूला भी क्या करता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड आगे पीछे को घूमता है, उसके अलावा क्लॉक का जो पेंडुलम होता है, ये सब ऑसिलेटरी मोशन के एग्जाम्पल हैं. ओके, नेक्स्ट वाइब्रेटरी मोशन, प्लक अ स्ट्रिंग ऑफ अ सितार और गिटार. आपको सितार या गिटार जो होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनके एक स्ट्रिंग यानी कि तार को प्लक करना है, खींचना है. यू सी दैट ओनली द स्ट्रिंग मूव्स एंड नॉट द होल बॉडी ऑफ द सितार और गिटार. आपने देखा कि सिर्फ एक स्ट्रिंग, एक वायर जो उसका होता है वही मूव करता है, ना कि पूरा सितार या गिटार. ओके, द मोशन ऑफ द स्ट्रिंग एग्जिबिट्स वाइब्रेटरी मोशन. जो स्ट्रिंग का मोशन होता है वो वाइब्रेटरी मोशन होता है. एंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन सच अ वे दैट अ पार्ट और पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑलवेज रिमेन फिक्स एंड डज नॉट मूव व्हाइल द रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स मूव टू एंड फ्रो इन अ डिफाइनाइट पैटर्न इट्स मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन. इसीलिए हम कह सकते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव करता है कि उस ऑब्जेक्ट के सारे पार्ट नहीं मूव करते हैं बल्कि उसका कुछ ही पार्ट मूव करता है, वो भी टू एंड फ्रो मूव होता है एक डिफाइनाइट पैटर्न में, तब इस कंडीशन में ऐसे मोशन को वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं. एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ चेस्ट ड्यूरिंग ब्रीदिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेटरी मोशन. जब हम ब्रीदिंग करते हैं यानी सांस लेते हैं तो उस समय हमारे चेस्ट जब एक्सपेंशन यानी कि एक्सपेंड होना यानी कि फैलते हैं या फूलते हैं, या फिर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं यानी कि सिकुड़ते हैं, तो हमारे चेस्ट का एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन यानी कि फैलना और सिकुड़ना, ये वाइब्रेटरी मोशन का एक एग्जाम्पल है. ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पीरियोडिक मोशन. नाम से ही पता चल रहा है पीरियोडिक मोशन यानी कि इसमें एक टाइम फिक्स होता है. ठीक है, अ मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन. ऐसा मोशन जो अपने आप को प्रॉपर इंटरवल, प्रॉपर गैप के बाद, रेगुलर गैप के बाद जो अपने आप को रिपीट करता है, इस तरह का मोशन पीरियोडिक मोशन कहलाता है. द स्विंगिंग पेंडुलम ऑफ अ वॉल क्लॉक, द नीडल ऑफ सेविंग मशीन, हार्ट बीट ऑफ अ नॉर्मल पर्सन एंड अ मोशन ऑफ द अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन आर द एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन. क्लॉक, वर्ल्ड क्लॉक जो होती है उसका पेंडुलम जब स्विंग करता है यानी कि जब हिलता है, या तो फिर सीविंग मशीन, सिलाई मशीन के निडल, या तो फिर नॉर्मल पर्सन का हार्ट बीट, दिल की धड़कन, या तो फिर सन के चारों तरफ जब अर्थ राउंड लगाता है, ये सभी पीरियोडिक मोशन के एग्जांपल होते हैं. नॉन पीरियोडिक मोशन यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि मोशन रिपीट होता है, बार बार होता है, लेकिन नॉन पीरियोडिक यानी इसका जो टाइम होता है वो फिक्स नहीं होता है. ओके,
इन मेनी केसेस द मोशन मे बी रिपीटेटिव बट नॉट पीरियोडिक. बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनमें मोशन जो होता है रिपीट तो होगा लेकिन टाइम उसका फिक्स नहीं रहता है. अ मोशन दैट डज नॉट रिपीट इटसेल्फ एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन पीरियोडिक मोशन. ऐसा मोशन जो कि अपने आप को रिपीट तो करता है लेकिन उसका टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है तो ये नॉन पीरियोडिक मोशन कहलाता है. द स्विंगिंग ऑफ आवर आर्म और लेग्स आर रिपीटेटिव बट नॉट पीरियोडिक. हमारे हाथ या पैर का हिलना ये रिपीटेटिव होता है, बार बार होता है, बार बार हाथ या पैर हमारे हिलते हैं लेकिन इसके हिलने का टाइम फिक्स नहीं होता है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक. नाउ डिफरेंट मोशन एट द सेम टाइम. अभी अपने जितने टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ा उसमें आपने देखा डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल, लेकिन कभी कभी एक ही टाइम में एक से ज़्यादा टाइप के मोशन होते हैं. एक ही वर्क हम करते हैं लेकिन उसमें एक से ज़्यादा मोशन होता है तो उसके बारे में हम देखेंगे. When an object possesses two or more types of motion at the same time, its motion is called multiple motion. जब कोई ऑब्जेक्ट जो होता है कि एक ही समय में जब कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट पर दो या दो से ज़्यादा तरह का मोशन होता है तो इस तरह के मोशन को हम मल्टीपल मोशन कहते हैं. A boy riding a bicycle is example of multiple motion. एक ऐसा लड़का जो कि बाइसाइकिल चला रहा है, साइकिल चला रहा है, वो मल्टीपल मोशन का एग्जांपल है. द व्हील्स ऑफ अ बाइसाइकिल रोटेट मीन्स रोटेटरी मोशन एंड एट द सेम टाइम मूव फॉरवर्ड इन अ स्ट्रेट और कर्व पाथ इज रेक्टिलिनियर और कर्विलिनियर मोशन. इसमें क्या है कि जब बॉय साइकिल चला रहा है तो उस साइकिल के जो व्हील्स होते हैं वो रोटेट होते हैं तो व्हील्स का रोटेट होना रोटेटरी मोशन है और साइकिल या तो फिर स्ट्रेट लाइन में जाती है सीधी लाइन में या तो फिर जो होती है कर्व पाथ यानी कि घुमावदार रास्ते पे जाती है. तो अगर वहाँ पे फिर क्या हुआ, रोटेटरी मोशन व्हील में हो रहा है और साइकिल स्ट्रेट या कर्व जा रही है तो रेक्टिलिनियर या कर्विलिनियर मोशन हो गया. तो इस तरह से एक ही साथ में दो मोशन हो रहे हैं. उसके अलावा नेक्स्ट एग्जांपल है द अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस रोटेटरी मोशन एंड रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन अ सर्कुलर पाथ दैट इज सर्कुलर मोशन. अर्थ जब अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, घूमता है तो ये रोटेटरी मोशन है लेकिन अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट होते हुए सन के चारों तरफ भी घूमता है सर्कुलेटरी मोशन में, सर्कुलर पाथ में, तो ये जो होता है सर्कुलर मोशन कहलाया है. तो यहाँ पे भी एक ही साथ में टू टाइप्स ऑफ मोशन हो रहे हैं. ओके, नाउ द चैप्टर 10 फिनिश्ड. थैंक यू, हैव अ गुड डे.